हाउसवाइफ उन गर्ल्स से बड़ी बात है कि कोविड चल रहा है और आने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो कोर्स होता है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें मैं मेकअप वगैरह सब कवर करूंगी, आपको लेकर बता रही हूँ कि मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, और आप सभी को अनामिका का सलाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैंने अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों से पोल पर पूछा था यूट्यूब पर कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या नई वीडियो देखना चाहते हैं। तो आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि आप 30 डेज की ब्यूटी पार्लर कोर्स की क्लासेस देखना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्यूटी पार्लर कोर्स की 30 दिन की क्लास। जी हाँ, और वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, बस एक इम्पॉर्टेंट काम करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, उसमें सामने जो बेल आइकन होता है उसको दबाना है। उससे क्या होगा, आपको जब भी मैं नई क्लास डालूंगी ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि दी हमें वो वाली क्लास नहीं मिल रही है या फिर वो वाली क्लास नहीं मिल रही है। तो इसीलिए ऐसा आपके साथ ना हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दोनों दबाना, यानी कि जो घंटी का बटन है दोनों दबाना। अब हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की, जो कि मैं आज बताऊंगी आप लोगों को। जो क्लास फर्स्ट है, जो बेसिक इंपॉर्टेंट क्लास है, वो है थ्रेडिंग के बारे में, कि थ्रेडिंग होता क्या है बेसिकली और आप किस तरीके से थ्रेड को चला सकते हैं, सारी चीजें बताऊंगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरी क्लासेस होंगी वो आएंगी मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को, और मैं खुद लाइव आती हूँ मंडे को। आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि क्लासेस नहीं मिल रही है, तो अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। ये चीज आप याद रखिएगा कि आपको जो मैं बता रही हूँ उसकी प्रैक्टिस करते जाना है। और ये जो मैंने जो सीरीज स्टार्ट करी है बेसिकली उन हाउसवाइफ उन गर्ल्स के लिए की है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि कोविड चल रहा है और कोरोना के कारण हम पार्लर नहीं जा पा रहे हैं, प्रैक्टिकली पार्लर का कोर्स नहीं सीख पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को फ्री में यहाँ पर A to Z बेसिक कोर्स, तो ये समझ लो इवन बेसिक क्या, मैं आपको पूरा एडवांस तक कवर करा दूंगी। एडवांस में हम एड ऑन कर लेंगे क्लासेस तो 30 डेज की ना रहे, लेकिन 30 डेज में आपका पूरा ही बेसिक जो कोर्स होता है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें मैं मेकअप वगैरह सब कवर करूंगी, मैं आपको लिखकर बता रही हूँ कि मैं इसमें क्या क्या कवर करने वाली हूँ। ये देखिए दोस्तों, 30 डेज ब्यूटी पार्लर कोर्स में मैंने आप लोगों के लिए पूरा लिख दिया है, आप लोग भी इसको राइट डाउन कर लीजिएगा कि मैं आप लोगों को क्या क्या इसमें सिखाने वाली हूँ। मैं स्टार्टिंग से पढ़ देती हूँ। सबसे पहले रहेगी हमारी थ्रेडिंग की क्लास जो हमारी चल रही है, फिर वैक्सिंग, ऑल टाइप ऑफ वैक्स मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगी, रिका वैक्स, फेस पे वैक्स कैसे की जाती है, बीन्स वैक्स, रोल ऑन वैक्स, सभी तरीके की वैक्सिंग मैं आप लोगों को इसमें कवर करूंगी। याद रखिएगा कि एक ही वीडियो में सब चीज़ें कवर नहीं होंगी, धीरे धीरे वीडियो की क्लासेस आती रहेंगी। इस चीज़ का आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, तो हम सारी चीज़ें धीरे धीरे करेंगे। मेकअप ब्रशेस की पूरी नॉलेज दूंगी मैं आपको, ब्लीच, डिटैन कैसे करते हैं, क्लीन अप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर में मसाज किस तरीके से की जाती है, हेयर कटिंग और ऑल टाइप्स ऑफ हेयर कटिंग हम कवर करेंगे, लेयर, स्टेप कटिंग, यू कट, वी कट, सभी तरीके की हेयर कटिंग हम कवर करेंगे। पीलिंग, पीलिंग बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड में है, इसमें मैं आप लोगों को फेशियल में भी बता दूं कि मैं इसमें आप लोगों को O3 की फेशियल भी बताऊंगी और ब्लीच में भी मैं O3 का ब्लीच बताऊंगी किस तरीके से की जाती है, तो घबराइएगा बिल्कुल भी मत। बॉडी पॉलिशिंग, स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग कि कैसे की जाती है, नॉर्मल जो स्ट्रेटनिंग हम करते हैं ना वो वाला, वो सब कुछ अच्छे से बताऊंगी कि हम किस तरीके से स्ट्रेट करते हैं बालों को, कर्लिंग कैसे करते हैं बाय यूजिंग कर्लर, हेना एप्लीकेशन यानी कि मेहंदी कैसे लगाते हैं प्रोफेशनल स्टाइल में, रूट टचअप मतलब अगर आपको किसी को डाई करना है तो आप कैसे करेंगे, हाईलाइट्स बालों की कैसे करेंगे, स्ट्रीक्स में बताऊंगी, ग्लोबल बताऊंगी, हेयर स्पा बताऊंगी, केराटिन ट्रीटमेंट बताऊंगी, स्मूथनिंग बताऊंगी, रीबॉन्डिंग बताऊंगी, हेयर मसाज बताऊंगी, ये सारी चीज़ें कवर करूंगी। और मे भी हो सकता है कि जब मैं लिख रही हूँ तो मैं उतनी चीज़ें मतलब मेरे दिमाग में ना हो, कुछ जो छूट रहा होगा उसे भी मैं आपको बिल्कुल कवर करूंगी। अब हम मेकअप की बात कर लेते हैं, तो मैं आपको बेसिक मेकअप बताऊंगी, इसके साथ साथ बेसिक मेकअप की थ्योरी भी कवर करूंगी मैं कि बेसिकली मेकअप कितने प्रकार, सब चीज़ें मतलब बताऊंगी। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, जल्दी जल्दी बता रही हूँ, लिख लीजिएगा। पार्टी मेकअप बताऊंगी, ब्राइडल मेकअप बताऊंगी, रिसेप्शन मेकअप बताऊंगी, हेयर स्टाइल्स बताऊंगी, बेसिक एडवांस सभी तरीके की हेयर स्टाइल्स बताऊंगी और ट्रैपिंग करना बताऊंगी। और याद रखिएगा कि आपकी जो क्लासेस होंगी और आप लोगों की जो क्लासेस होंगी वो एवरी मंगलवार,
गुरुवार और शनिवार को दोपहर 2 बजे तक आ जाया करेंगी, और मंडे को मैं आऊँगी लाइव डेली, ठीक है, शाम को 4 बजे मंडे को लाइव आऊँगी, शाम को 4 बजे। तो ये कि मैंने बोला कि थ्रेडिंग की आज हमारी क्लास फर्स्ट होगी, और थ्रेडिंग है क्या होता है, थ्रेडिंग एक हेयर रिमूवल टेक्निक होती है। मेरी हिंदी की मतलब मुझे ज़्यादा हिंदी रख की राइटिंग अच्छी नहीं है, और मुझे ज़्यादा अच्छे से सच बताऊँ तो लिखना नहीं आता, तो फिर मैंने हेयर रिमूवल टेक्निक जो है वो लिख दिया इंग्लिश में। तो आप जैसा भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, आप सभी को पता है। और टूल्स जो थ्रेडिंग में यूज़ किए जाते हैं वो मैंने लिख दिए हैं। एक तो सबसे पहले आपको थ्रेड लेना होता है 40 नंबर का, जो मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। ये देखिए, इस तरीके का 40 नंबर का थ्रेड होता है, ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे मिल जाएगा। हरा कलर भी आता है और सफ़ेद कलर का भी आता है। आपको टेलकम पाउडर चाहिए होता है, क्योंकि आप सबसे पहले क्या करते हैं, टेलकम पाउडर को ही लगाते हैं। मैं वैसे आपको वीडियो अपने साथ भी दिखा सकती थी, लेकिन आप लिखना है तो आप इस तरीके से अच्छे से लिख पाएंगे। उसके अलावा आपको कैंची चाहिए होती है, छोटी कैंची चाहिए होती है, कॉटन यानी कि रुई, थोड़ी छोटे आप रुई के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो टेलकम पाउडर लगाएंगे वो आप डायरेक्टली अपने हाथों से नहीं लगाएंगे, याद रखिए इस बात का। आप लगाएंगे टेलकम पाउडर जो है कॉटन की हेल्प से। हैंड मिरर यानी कि छोटा सा जो मिरर होता है, क्योंकि आफ्टर थ्रेडिंग आप जब क्लाइंट को दिखाते हैं तो वो छोटे मिरर में देखना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें छोटे छोटे बाल दिख जाएँ। टोनर, जैसे किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो आप आफ्टर थ्रेडिंग उनको टोनर अप्लाई कर सकते हैं, और मॉइस्चराइज़र क्रीम उनको जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, और हल्की सी मसाज दे सकते हैं। तो टूल्स जो होते हैं थ्रेडिंग के, ये होते हैं, लिख लीजिए आप लोग। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम आईब्रो को शेप कैसे दें, तो मैंने यहाँ पर बोर्ड की हेल्प ली है, थोड़ा सा डायग्राम बनाया है, ड्राइंग पर बिल्कुल भी मत जाइएगा आप लोग। तो यहाँ पर जितनी देखिए, इस तरीके से हमारी आईब्रोज होती हैं, और मैं आप लोगों को एक टिप और दूंगी, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप इस तरीके का जो थ्रेड होता है, मतलब जो घर में हमारे पास धागा होता है, उनसे प्रैक्टिस करिए। और थ्रेड को होल्ड करने का तरीका मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, बता देती हूँ। मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि वैसे आपको प्रोफेशनली थ्रेड कौन सा नंबर का लेना है, लेकिन घर में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा प्रैक्टिस करते हुए हमारे यहाँ पर निशान पड़ जाते हैं हाथों में, तो आप अगर घर का ये जो थ्रेड लेंगे, जो नॉर्मल हम अपनी सिलाई बुनाई के लिए यूज करते हैं, उसमें आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आप लेंगे और अपने एक छोर जो होगा इसका, एक आर्च है, वो अपने साइड के तीर्थ में दबा लेंगे कुछ इस तरीके से। देख लीजिए आप वीडियो को ध्यान से, ऐसे आप दबाएंगे, और उसके बाद आप करीब 5 से 6 अंटे यहाँ पर लगाएंगे। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए आपने ऐसे कर दिया। उसके बाद आपको ये, आप ये समझ लीजिए कि आपको अपनी नाभि, जो आपकी जो नाभि होती है, वहां तक आपको थ्रेड का धागा लेकर के आना है, लंबा करना है, दांतों में दबाना है 5-6 बार, उसके बाद आप इस तरीके से कैची बन जाएगी। और यहाँ पर दूसरा जो आपकी फिंगर्स होंगी वो कुछ इस तरीके से आपका ये देख लीजिए आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से चलाना स्टार्ट करना है, ये देखिए नीचे की तरफ देखते जाइए, और क्योंकि वैसे भी जब हम थ्रेडिंग करेंगे, आईब्रो बनाएंगे किसी की, तो नीचे की तरफ ही देखिए, तो आप प्रैक्टिस भी ऐसे ही करिए, ऐसे करके, ठीक है। अब आप ये देखिए कि इस तरीके से आईब्रो होती है। अब आपको बाल कैसे निकालना है, देखिए मैं आपको बड़ा इजी तरीका समझा रही हूँ। यहाँ पर आपने पहले 4-5 दिन इस तरीके से अपने धागे से प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आप ध्यान रखिए हमेशा कि आपको अपोजिट डायरेक्शन में आप बालों को निकालना है। इस तरीके से ग्रोथ है तो आपको इस तरह यहाँ से निकालना है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता रही हूँ, लेकिन अभी आप प्रैक्टिकली जब देखेंगे तब भी आपको समझ आएगा। आपको अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे अगर आप मेरी ये वाली आईब्रो बनाएंगे, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में जब आप निकालेंगे तब आपका बाल जो है निकल आता है। थ्रेडिंग करने में, शेप देने में प्रॉब्लम आती है, और मैं ऐसा सोच के समझा रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी ट्रिक लेकर आई हूँ। मुझे नहीं लगता कि आज तक आपको किसी ने सिखाई होगी, जैसे मैं आप लोगों को, मतलब मैं ऑफलाइन जैसे पार्लर में सिखाती हूँ, सेम इसी तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा रही हूँ। ये है हमारी, आप मान लीजिए कि आईब्रो है, और ठीक है, अब आप डिग्रीज लिखी है मैंने यहाँ पर, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। जो लोग मुझसे पार्लर का कोर्स सीख रहे हैं, याद रखिए कि आप लोग को इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस चीज उसको वहां पर पॉज कर लीजिए, ठीक है। अब इसी तरीके से आप समझिए कि आईब्रो होती है 90 डिग्री पे, अगर आप बिगिनर हैं बिल्कुल, यानी कि ये 90 डिग्री होता है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी बाल नहीं निकालने होते हैं।
इस बात का आप लोग खास तौर से ध्यान रखें, ये जो नोज के बाद से जो हमारा, मान लीजिए कि ये हमारी नोज है और नोज के बाद से जो ये आता है बालों का, यहाँ से आप समझ रहे हैं ना, ये वाला जो, इसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। आप बिगिनर हैं तो आप इस चीज को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, अगर नहीं तो क्या होता है यहाँ से आईब्रो क्लाइंट की उड़ जाती है। और अगर आपकी क्लाइंट की, देखिए आईब्रो जो होता है वो फेस को पूरा एक टेक्सचर प्रोवाइड करता है, और अगर वही आप आईब्रो बिगाड़ देंगे आप क्लाइंट की, तो आपको क्या लगता है कि कल को वो आपके पार्लर पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप इसी टेक्निक को अपनाइए, बिगनर्स है उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि इस, इवन जो अगर आप ट्रेंड भी हैं तो भी आपको कभी भी 90 डिग्री ये जो पार्ट होता है इस पर बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। फिनिशिंग देने के लिए आप ये कर सकते हैं कि लास्ट में जो हम थ्रेडिंग करने के बाद सीजर से थोड़े थोड़े जो बाल काटते हैं, जो थोड़े थोड़े ट्रिम करते हैं, यहाँ से ट्रिम करते हैं, आपने ध्यान भी दिया होगा यहाँ से हम ट्रिम करते हैं। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी बताऊंगी, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम थी शेप देने के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ ड्रॉ करके एक एक चीज ध्यान से समझा रही हूँ। मेरे लिए बड़ा इजी था कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बस करके दिखा देती, क्योंकि अब तो पार्लर भी रीओपन हो चुका है आप लोगों को पता ही है, और लेकिन मैंने सोचा कि इस तरीके से आप लोगों को और ज्यादा अच्छे समझ में आ पाएगा। अब बात करते हैं 60 डिग्री की। 60 डिग्री में अच्छा एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि जब भी आप आईब्रो बनाएंगे तो हमेशा नीचे से स्टार्ट करेंगे, कभी भी आईब्रो आप ऊपर से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आपने ऊपर से आईब्रो को बनाना स्टार्ट कर दिया तो होगा क्या कि क्लाइंट की जो आईब्रो होगी वो छुप जाएगी, और हमें क्या करना है, क्लाइंट की आईब्रो को ऊपर अपलिफ्ट करना है जिससे उनकी आंखें और ज्यादा खूबसूरत दिखें। तो इसके लिए आप हमें याद रखिए 60 डिग्री, यानी कि अगर आपकी क्लाइंट की इस तरीके से आर्च है तो ठीक है, स्टिल हमको यहाँ पर बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आप फिनिशिंग देने के लिए आप फोरहेड को अच्छे से क्लीन कर दीजिए फिनिशिंग देना है तो, और बिल्कुल एक्स्ट्रा अगर हेयर है, वैसे तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे एक्स्ट्रा हेयर होते ही नहीं है, फिर भी आपको लगता है तो आप करें, बट इस आर्च को बिल्कुल भी आप टच ना करें। थर्ड पॉइंट जो होता है वो हमारा होता है 45 डिग्री, यानी कि ये जो हमारी जो लेंथ होती है आईब्रो की, कई बार आपने देखा होगा कि क्लाइंट हमेशा ये बात, आप हमेशा देखिए जब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट की थी आईब्रो की गाइस, तब मैं हमेशा क्या करती थी, एक्स्ट्रा बालों को निकालती थी, कभी भी बहुत ज्यादा उनके बालों को मैं रिमूव नहीं करती थी, चाहे उनकी लेंथ हो चाहे उनका आर्च हो, और यहाँ तो कभी भी टच ही नहीं करती थी। और आप लोग ध्यान दीजिए कि आपको हमेशा नीचे से आईब्रो बनाना स्टार्ट करना है, अपोजिट डायरेक्शन में आईब्रो बनाना स्टार्ट करना है, और इन तीन जगहों पे आपको टच नहीं करना है, यानी कि धागा भी नहीं लगाना है। और अगर आप इन तीनों इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी क्लाइंट की आईब्रो बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी, वो दोबारा आपके पास आएगा, और अगर आप बिगिनर हैं तब भी आप आईब्रो बनाने लगेंगे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो भी मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि आप घर के पहले धागे से 2-3 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप क्लाइंट के बनाना है तो आप इस वाले जो ऑर्गेनिक 40 नंबर का धागा होता है, मैं आपको उसको अंदर से भी दिखा देती हूँ, ये देखिए 40 नंबर का ये जो धागा है, इस वाले को आप सेम टेक्निक से जैसे मैंने आपको अपने घर के धागे से बताया उसी तरीके से आपको होल्ड करना है, फिर सीजर बनाना है, कैची बनाना है। और आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पार्लर में जैसे आया है कोई तो आप प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मम्मी के या सिस्टर के या किसी के भी आप फोर हेड पे, यानी कि ये जो फोर हेड हो तो माथा क्लियर कर सकते हैं और अपर लिप कर सकते हैं। अपर लिप पे याद रखिए कि टाइट करा लेना, आप ऐसे करेंगे ना आप तो आपको धागा स्किन पे चलाना आएगा।